नीतीश कुमार यूपी के फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और जेडीयू के नेता काफ़ी आशान्वित हैं कि नीतीश कुमार चुनाव जरूर लड़ेंगे लोकसभा का। हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम है तारकिशोर प्रसाद जी, उनसे जान लेते हैं। सर, ये जेडीयू जो प्लान कर रही है कि फूलपुर से नीतीश कुमार जी को लड़ाया जाए, किस तरह से देखते हैं? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी लंबे वक्त से बिहार की राजनीति में हैं और लंबे वक्त से माननीय मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन अनुकूल परिस्थिति में भी बहुत कम मत से वो चुनाव जीते हैं और लंबे वक्त से वो चुनाव लड़े भी नहीं हैं। तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं उनकी बिहार की राजनीतिक मिट्टी खिसक चुकी है, इसलिए कार्यकर्ताओं के द्वारा इन सारी बातों को कहलवाया जा रहा है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात है, हर व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन एक बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़कर आजमा ही लें। योगी की धरती पर नीतीश कुमार जी ऐसे लोगों की चुनाव में क्या स्थिति होगी, वो चुनाव लड़ने के बाद पता चलेगा। और है सर कि जो ये जो महागठबंधन बना था, ये भी था कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, या फिर इंडिया जो बन रहा है ये भी है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, लेकिन महागठबंधन की भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी नहीं बनी और इंडिया वाली कब बनेगी वो भी देखना होगा। नहीं, देखिए, मुझे तो लगता है ना कि जितने भी राष्ट्रीय स्तर के विपक्षी दल और क्षेत्रीय दलों ने जो यह गठबंधन बनाया है, इस गठबंधन के प्रति किसी भी दल की कोई ईमानदारी नहीं है। जब पटना में बैठक हुई थी तो उसमें श्री नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाने की चर्चा हुई थी, लेकिन वो दूसरी बैठक जो दिल्ली में हुई उसमें भी वो संयोजक नहीं बन पाए, ना समन्वय समिति बन पाए जिसे कोऑर्डिनेशन कमेटी कहते हैं, और दिल्ली की बैठक में भी हुआ था कि नहीं कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, लेकिन उसकी कोई बन भी नहीं पाई और उसकी कोई चर्चा भी नहीं है। सिर्फ बैठक के अतिरिक्त इस INDIA का क्या राजनीतिक भविष्य है यह बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। सिर्फ बैठक के समय ही एक दूसरे से इनकी बातचीत होती है, कहीं लिट्टी खाते हैं, कहीं अब उस प्रदेश के व्यंजन खाते हैं, कहीं राहुल गांधी की शादी पर बात समाप्त होती है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक हवा खड़ा करने के लिए, एक पॉलिटिकल हैवॉक जिसको कह सकते हैं, इसे खड़ा करने के लिए इस तरह की बातें चलती रहती है। लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उनकी पहचान बनी है, उस पहचान के सामने इनका गठबंधन टिक नहीं पा रहा है। देखिए, इस तरह के राजनीतिक गठबंधन सिर्फ आपस में बैठने से या राजनीतिक बयान देने से नहीं बनते, उसका एक ठोस आधार होता है। हम जिन हिंदुस्तान के लोगों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से देश में या राज्य में शासन करते हैं, उनके प्रति जो हमारी राजनीतिक प्रतिबद्धता है, सेवा की जो प्रतिबद्धता है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं INDIA का खो गया है। ऐसा कुछ भी स्पष्ट तौर पर दिख नहीं रहा है। सिर्फ नरेंद्र मोदी को हटाना है तो इसके लिए सारी राजनीतिक शक्तियाँ एक होकर भी इतना असहाय और लचर हो सकती है हिंदुस्तान की राजनीति में, यह मुझे पहली बार देखने को मिला। सर, एक चीज और है सर कि जाति गणना को लेकर के जो हाईकोर्ट का फैसला आया, उससे कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार काफ़ी उत्साहित हैं और अपनी राजनीतिक जीत, नीतिगत जीत तो मान ही रहे, राजनीतिक जीत भी मान, बीजेपी पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि बीजेपी ही। जब NDA की सरकार थी, मैं उस सरकार में उप मुख्यमंत्री के दायित्व में या नंबर 2 के दायित्व में मैं भी उस सरकार में था, और जब सभी राजनीतिक दलों की बैठक हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी से
सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मिलने गए, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी प्रतिनिधि श्री जनक राम जी भी थे। एवं हम सबों का लगातार प्रयास था कि जाति गणना हो, जिससे सामाजिक और कई दृष्टि से जो समाज के हाशिए पर ऐसे तमाम लोग हैं जिनके संख्या बल के आधार पर हम उनके विकास के लिए कार्यक्रम तय कर सकें, उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी को सभी दल तय करें। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उस समय हम सबों के जेहन में था, और उसके कारण हमारी सरकार ने निर्णय लिया और फिर कार्य भी प्रारंभ हुआ। तब तक एनडीए की सरकार चली गई, लेकिन महागठबंधन की सरकार माननीय उच्च न्यायालय में बेहतर ढंग से इसके अलग अलग जो आयाम हैं जाति गणना का, तो उसको बेहतर ढंग से रख नहीं पाए। इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय को एक अंतरिम आदेश देकर रोक लगानी पड़ी, और फिर जब विषय सारे विषय बेहतर ढंग से रखा गया, हम सब लगातार मुखर रहे कि सरकार बेहतर ढंग से जाति गणना के उद्देश्य को स्पष्ट करे, तब फिर माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर से रोक हटाई। और राष्ट्रीय जनता दल तो उसमें विपक्ष में था, और देखिए सबसे बिहार की राजनीति में सबसे कठिनाई क्या है कि बिहार के लोग कैसे बेहतर जीवन जिए, उनका सामाजिक और आर्थिक विकास कैसे हो, इस पर उनकी गंभीरता नहीं है। सिर्फ राजनीतिक लाभ कैसे लें। राष्ट्रीय जनता दल तो उस समय सरकार में भी नहीं थी और वो अपनी जीत बता रहे हैं। जिस एनडीए के कैबिनेट में निर्णय हुआ और जिस एनडीए ने इसे लागू करवाया, और उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में थी, मंत्रिमंडल में भी हमारी संख्या सबसे ज़्यादा रही है, और फिर वो जानबूझकर इसे भारतीय जनता पार्टी नहीं चाह रही थी, तो इससे बड़ा राजनीतिक झूठ हो ही नहीं सकता। देखिए लंबे वक्त तक राजनीतिक झूठ बोलकर आप सूबे की या देश की सेवा नहीं कर सकते हैं। और यही कारण है कि आज धीरे धीरे राजनीतिक दल, जो विपक्ष के जितने राजनीतिक दल हैं, वो सिमट गए हैं, और INDIA के बनने के बाद भी ना संयोजक बना पा रहे हैं, ना ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बना पा रहे हैं। तो उसका कारण यही है कि उनकी ईमानदारी सूबे के लोगों के प्रति नहीं है, सिर्फ एक राजनीतिक ताकत के रूप में हम कैसे दिखे, जैसे कि इस ताकत के आड़ में जो हम बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं वो कैसे छिपा रहे। ये लगता है कि यही सारी चीज़ें हैं। और बिहार के लोग और बिहार के मतदाता बहुत समझदार हैं, वो इनके कारनामों को समझते हैं, और किस दल की सरकार ने, किस दल की सरकार की कैबिनेट ने इसे निर्णय लिया, यह सूझबूझ बिहार की जनता को है। किशोर प्रसाद थे, और इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि बिहार के मतदाता, बिहार के लोग सारी चीज़ों को, सारी परिस्थितियों को समझते हैं, देश के लोग भी सारी परिस्थितियों को समझ रहे हैं, और उसी के मुताबिक आगे एक्शन भी होगा। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष चंद्र, न्यूज़ पटना।